नमस्कार, खबर एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशी अत्री। पीएम मोदी ने शांग्री-ला डायलॉग में चीन भारत के संबंधों को लेकर कई सकारात्मक बातें कही थी। इस पर अब चीन ने इन बातों का स्वागत किया है। पीएम मोदी ने शांग्री-ला डायलॉग में कहा था, भारत और चीन के साथ मिलकर काम करने से एशिया और दुनिया का भविष्य बेहतर होगा। इसी के साथ ही चीन ने भारत के साथ काम करने की इच्छा भी जताई है। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि हम ऐसी सकारात्मक टिप्पणियों की सराहना करते हैं। दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय संबंधों को लेकर सकारात्मक हैं। चीन भारत के साथ काम करने को तैयार है। भारत और चीन आपस के मुद्दों को सुलझाने के लिए विचार कर रहे हैं। बता दें, अप्रैल के आखिरी हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय अनौपचारिक दौरे पर चीन गए थे। अमेरिका के विरोध के बाद अब भारत का कहना है कि वह रूस के साथ रक्षा क्षेत्र में सहयोग जारी रखेगा। भारत रूस से S-400 ट्राइफ एयर डिफेंस मिसाइल प्रणाली की खरीद पीछे नहीं हटेगा। और बता दें कि अमेरिका ने रूस से हथियारों की खरीद पर प्रतिबंध लगा रखा है। वहीं भारत रूस के साथ के सौदे को अमेरिकी कानून CAATSA से अलग रखने के पक्ष में है। भारत इस मुद्दे पर अमेरिका से बातचीत करने के लिए भी तैयार है। बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच अगले महीने वॉशिंगटन में बैठक होनी है, जिसमें इस मुद्दे को उठाया जा सकता है। 2019 में लोकसभा चुनाव के लिए अब साल भर का समय भी नहीं बचा है। ऐसे में सरकार इस चुनावी वर्ष की तैयारी में जुट गई है। सूत्रों की माने तो मोदी सरकार 50 करोड़ से ज्यादा कामगारों के लिए नई योजना ला रही है। मंत्री भी रोज अपने अपने मंत्रालयों के काम को जनता के बीच ले जाने में लगे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय ने यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी से जुड़े श्रम मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 50 करोड़ से ज्यादा कामगारों को सरकार की ओर से पेंशन, मेडिकल कवर समेत कुछ सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। वहीं इस योजना में कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी शामिल किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा के हाजीन में आतंकियों ने मंगलवार देर रात आर्मी कैंप पर हमला बोल दिया। 13 राष्ट्रीय राइफल्स और हाजीन पुलिस स्टेशन के दोनों तरफ से करीब 400 आतंकी आए और आर्मी और पुलिस दोनों पर गोलीबारी शुरू कर दी। आतंकियों ने अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर से लगभग 8 राउंड की फायरिंग की। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने थाने को भी निशाना बनाया। फिलहाल सेना ने इलाके की घेराबंदी कर मोर्चा संभाल लिया है। वहीं दोनों तरफ से फायरिंग चल रही है। ऐसे में सेना ने आसपास के लोगों को घरों से बाहर निकलने की अपील की है। SYL और पंजाब के साथ पानी के मसलों को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान हांसी बुटाना नहर, किशाऊ बांध और रावी नदी के पानी को लेकर चर्चा की गई। साथ ही दिल्ली हरियाणा पानी विवाद को लेकर भी चर्चा की गई। वहीं बैठक के बाद सीएम खट्टर ने कहा कि SYL को लेकर हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। सीएम खट्टर ने कहा कि पाकिस्तान में पानी जा रहे पानी को रोकने पर भी विशेष चर्चा की गई है। पार्टियों पर लगाया किसानों से राजनीति का आरोप। सांसद राजकुमार सैनी ने मंगलवार को गुहाना के गांव गगेसर में खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस मौके पर सांसद सैनी ने कहा कि जब कोई पार्टी सत्ता से बाहर होती है तो उसे किसान याद आते हैं। किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराने के लिए आंदोलन भी किए जाते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही वो किसान और किसान के मुद्दों को भूल जाते हैं। वहीं इसके साथ ही सांसद सैनी ने राजनीतिक दलों के नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो आरक्षण के नाम पर प्रदेश को बांटने का काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि जनसंख्या के आधार पर सभी जातियों को आरक्षण देना चाहिए। सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह की सबसे बड़ी राजदार हनीप्रीत की जमानत याचिका बहस पूरी होने के बाद आज फैसला आ सकता है। फैसले से पहले हनीप्रीत सहित सभी आरोपियों की पंचकुला कोर्ट में पेशी होगी। मामले में सभी आरोपियों को पहले ही चार्जशीट की कॉपी दी जा चुकी है। गौरतलब है कि हनीप्रीत को जेल गए कई महीने हो चुके हैं। कई बार कोर्ट में पेश भी हो चुकी है, लेकिन हनीप्रीत पर फैसला अभी तक नहीं आया। मामले में ताजा हुई पेशी की खास बात यह रही कि इस बार हनीप्रीत को कोर्ट तक ले जाया नहीं गया और बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेश किया गया। बता दें कि हनीप्रीत ने पंचकुला सेशन कोर्ट में जमानत की अर्जी दी थी। इसी के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंस पर जमानत के मुद्दे पर जमकर बहस हुई, जिस पर कोर्ट आज फैसला सुनाएगी।
गुरु और शिष्य के रिश्ते को तार तार करने के दो अलग अलग मामले सामने आए हैं। चरखी दादरी में एक निजी स्कूल के टीचर पर नाबालिग छात्रा के साथ रेप करने का आरोप लगा है। पीड़ित परिजनों की शिकायत के बाद आरोपी टीचर के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। छात्रा का कहना है कि जान से मारने की धमकी देकर टीचर उसके साथ 2 साल तक रेप करता रहा। वही दूसरा मामला करनाल से है, जहां नर्सिंग के एक निजी स्कूल की प्रिंसिपल और पुलिस की कार्यप्रणाली से तंग आकर पीड़ित छात्रा ने खुदकुशी की कोशिश की। स्कूल के डीपी और छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, लेकिन डिप्रेशन का शिकार हुई पीड़िता ने स्कूल की प्रिंसिपल और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यमुनानगर में एक बार फिर अस्पताल की लापरवाही न होने का युवक की जान ले ली। यमुनानगर के कस्बा साढ़ौर में ठाट सिंह नाम के युवक को मोबाइल चार्ज करते समय बिजली का झटका लगा, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन यहां डॉक्टर न होने की वजह से उसकी मौत हो गई। हालांकि अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि ठाट सिंह ने पहले ही दम तोड़ दिया था। वहीं परिजनों का कहना है कि सांसें चल रही थी और समय पर इलाज न मिलने से युवक की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि अस्पताल में किसी भी तरह के स्वास्थ्य उपकरण, ईसीजी मशीन और अन्य सुविधाएं नहीं है। युवक की मौत का जिम्मेदार अस्पताल की लापरवाही है। इस आधुनिक दौर में भी भूत प्रेत का इलाज नक्स ताबीज यानी तंत्र मंत्र से हो रहा है। ऐसा ही एक मामला पुनहाना खंड के गांव शाहचौखा में सामने आया है, जहां नक्स ताबीज देने वाली सहिदा नाम की महिला ने भूत प्रेत उतारने के चक्कर में 3 बच्चों की मां की जीवन लीला समाप्त कर दी। आपको बता दें कि सहिदा ने मृतक को इलाज के बहाने 5 फीट गहरे गड्ढे में करीब 2 घंटे तक दबा कर रखा। गर्दन जमीन में दबे होने की वजह से महिला को सांस लेने में तकलीफ हुई और उसने दम तोड़ दिया। बहरहाल इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि घटना उनके संज्ञान में है और इस पर कार्रवाई शिकायत मिलने के बाद ही होगी। करनाल के बल्ला गांव में संदिग्ध ऑनर किलिंग मामले में नया मोड़ आया है, और अब आरोपी पक्ष यानी कि मृतक लड़की के परिवार वाले और सैकड़ों ग्रामीणों ने एसपी सुरेंद्र सिंह से मुलाकात की और मामले की जांच करने की बात कही। साथ ही उन्होंने आरोप को भी गलत बताया। वही लड़की के पिता और परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी को एक युवक ब्लैकमेल करता था, जिसके पास लड़की की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें थी। उन्होंने ये भी बताया कि इन्हीं तस्वीरों का हवाला देते हुए वो लड़की पर शादी के लिए दबाव बना रहा था, जिससे तंग आकर लड़की ने आत्महत्या कर ली। नतिया के गांव बबनपुर में तेजी से फैलता डायरिया लोगों के साथ साथ प्रशासन के लिए भी चुनौती बना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक अभी तक गांव में लगभग 100 लोग डायरिया की चपेट में आ गए हैं, जिन्हें रतिया और पंजाब राज्य के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। वहीं ग्रामीणों की माने तो मंगलवार देर शाम के बाद अचानक पूरे गांव में डायरिया के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी। गांव में लोगों को उल्टी दस्त की शिकायतों के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक साथ डायरिया के मरीजों की संख्या को देखते हुए प्रशासन ने डॉक्टरों की टीमों को गांव में तैनात कर दिया है। सीआईए पुलिस ने गैस टैंकर में शराब की तस्करी का भंडाफोड़ किया है। दरअसल पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी कि गुजरात नंबर का एक गैस टैंकर शराब लेकर गुजरात की ओर जा रहा है। सूचना के बाद पुलिस ने कड़ी नाकेबंदी की, कुलाना के पास गैस टैंकर को अपने कब्जे में ले लिया, और हालांकि टैंकर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वही पुलिस गैंग टैंकर को लेकर कसौला थाना पहुंची। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद जैसे ही गैस टैंकर को खोला तो होश उड़ गए। गैस टैंकर में गैस के बजाय शराब की पेटियां भरी हुई थी। हरियाणा शिक्षा विभाग एक बार फिर सुर्खियों में बना हुआ है। गौरतलब है कि प्राचार्य राजेंद्र कुमार शर्मा पर फर्जी परिणाम दिखाकर राज्य शिक्षक पुरस्कार लेने सहित कई गंभीर आरोप लगे हैं। शिकायतकर्ता विनोद यादव का कहना है कि आरटीआई लगाने के बाद तमाम खुलासे हुए और सीएम विंडो पर भी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग भी इस मसले पर कुछ भी बोलने से बचता नजर आ रहा है। कालावाली में व्यापारी नेता प्रदीप जैन के घर हुए पथराव का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पथराव को लेकर व्यापारियों में रोष अभी बरकरार है। इसके विरोध में व्यापारियों ने आज फिर कालावाली मंडी को बंद कर दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को दोहराया है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के दौरान किसान और व्यापारियों के बीच झड़प हुई थी, जिसका बीच बचाव करने पर व्यापारी नेता प्रदीप जैन के घर पर तोड़फोड़ की गई थी।
और लय सहायक आज सीएम के प्रधान सचिव के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान कंप्यूटर टीचर्स और लैब सहायक प्रधान सचिव राजेश खुल्लर के साथ अपनी मांगों पर भी चर्चा होगी। मांगों को लेकर हुए हंगामों के बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि सरकार इस गतिरोध को दूर करने की पूरी तरह से कोशिश करेगी। आपको बता दें कि कंप्यूटर टीचर्स और लैब सहायक अपनी जॉब सिक्योरिटी और बढ़े हुए वेतन दिए जाने की मांग को लेकर 28 मई से आंदोलन कर रहे हैं। गौरतलब है कि सोमवार तक अल्टीमेटम के बाद कंप्यूटर टीचर्स और लैब सहायकों ने मंगलवार को पहले पंचकुला उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया। स्थिति तनावपूर्ण होते देख उपायुक्त ने प्रदर्शनकारियों को बातचीत के लिए बुलाया। और यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक में स्वागत है आप सभी का। प्रदेश भर में आज भी प्राइवेट लैब संचालकों की हड़ताल जारी है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियंस एसोसिएशन के आह्वान पर जारी हड़ताल के तहत पंचकुला समेत दूसरे जिलों में लैब संचालक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं निजी लैब संचालकों के हड़ताल पर चले जाने से आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि प्रदेश के लैब संचालक लैब रिपोर्ट पर एमबीबीएस डॉक्टर के हस्ताक्षर अनिवार्य करने के आदेशों के विरोध में है, क्योंकि किसी भी तरह का टेस्ट करवाने के लिए सरकारी अस्पताल में रखी गई मशीन अमूमन खराब ही मिलती है। किसानों की हड़ताल, कर्मचारियों के प्रदर्शन से हरियाणा बीजेपी सरकार घिरती नजर आ रही है। अब ऐसे में प्रदेश भर के लैब संचालकों ने भी अपनी मांग के लिए हड़ताल का रास्ता अख्तियार कर लिया। लैब रिपोर्ट में एमबीबीएस डॉक्टर के साइन को लेकर अनिवार्य करने के आदेश का लैब संचालकों की ओर से विरोध किया जा रहा है। सिरसा के टाउन पार्क में इकट्ठा होकर लैब संचालकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध जताया। इसके साथ ही अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया। अचानक मौसम में आए बदलाव के बाद करनाल में सुबह से हो रही रिमझिम बारिश का दौर जारी है, और इस बारिश से जहां एक तरफ लोगों को तपती गर्मी से राहत दी गई तो वहीं दूसरी ओर इस बारिश ने किसानों को खुशी दी है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये बारिश किसानों की फसलों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। वहीं इस बारिश से हरे चार भर भी सकारात्मक असर होगा और बारिश के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। मौसम की अचानक करवट लेने से हरियाणा के कई इलाकों में तड़के सुबह हल्की बारिश हुई, तो वहीं नीलोखेड़ी के पूजम गांव में एक व्यक्ति के घर पर बिजली गिर गई। जी हां, आसमानी बिजली गिरने से जान का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन घर में रखे बिजली के उपकरण जल गए। जहां एक तरफ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बीच प्लास्टिक पॉल्यूशन के अवसर पर पौधे लगाए गए, तो वहीं दूसरी ओर हिसार की सब्जी मंडी में पॉलिथीन धड़ल्ले से बिकता दिखाई दिया। हिसार के बिश्नोई मंदिर में विश्व व्यापार पर्यावरण दिवस के अवसर पर बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन विषय पर समारोह का आयोजन, जिसमें जिला उपायुक्त अशोक कुमार मीणा ने पौधा लगाया। वहीं जिला उपायुक्त अशोक कुमार मीणा ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कहा कि पर्यावरण प्रदूषण आज सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है मानव कल्याण के लिए, और इस पर काबू पाने की लड़ाई हम सभी को मिलकर लड़नी होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पॉलिथीन को लेकर अभियान चलाया जाएगा, जिसमें शहर को पॉलिथीन युक्त किया जाएगा। इसमें लोगों के सहयोग की जरूरत है। एटीएम से लिमिट से ज्यादा बार पैसे निकालने पर अब जीएसटी चुकाना होगा। इसके अलावा बैंक द्वारा ग्राहकों को दी जा रही मुफ्त सेवाएं जैसे एटीएम, चेकबुक या स्टेटमेंट पर जीएसटी नहीं लगेगा। आपको बता दें कि प्रति माह बैंक द्वारा 3 से 5 एटीएम निकासी मुफ्त दिए जाते हैं, उन पर किसी तरह का जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, लेकिन इस मुफ्त निकासी से होने वाली निकासी टैक्स के दायरे में रहेगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट लगातार 8वें दिन भी जारी रही। 30 मई 2018 से शुरू हुआ कीमतों में गिरावट का सिलसिला 6 जून को भी देखने को मिला। दिल्ली में अब तक पेट्रोल के दाम 71 हो चुके हैं, वहीं डीजल का भी कुछ ऐसा ही हाल है। वहीं पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से आम आदमी को राहत देने के लिए एक दीर्घकालिक समाधान तलाश रही है। भारत ने सोमवार को इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप के मैच में कैनेडा को 3-0 के अंतर से हरा दिया। सुनील छेत्री ने इस मैच में 2 गोल किए। इस मैच में भारत ने बड़ी आसानी से कैनेडा को मात दे दी।
ये मैच भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री के लिए काफी अहम था। ये उनके करियर का 100वां मैच था और इस मैच में 2 गोल कर उन्होंने इस मैच को अपने लिए यादगार बना लिया। सुनील छेत्री के अलावा जे लालपेखलुआ ने इस मैच में 1 गोल किया। इस जीत के साथ ही 4 देशों के इंटर कॉन्टिनेंटल कप के फाइनल में पहुंच गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 14 जून से खेले जाने वाले एकमात्र टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया को एक बड़ा झटका लग सकता है। ये मैच अफगानिस्तान का पहला टेस्ट मैच होगा और हो सकता है कि इस ऐतिहासिक टेस्ट मैच में टीम इंडिया के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ना खेल सकें। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईशांत शर्मा चोटिल हो गए हैं। ऐसे में उनकी चोट ज्यादा गंभीर हुई तो वो अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट से बाहर हो सकते हैं। सलमान खान की फिल्म रेस 3 ईद पर रिलीज होने वाली है, जिसका नया पोस्टर रिलीज हो गया है, जिसमें बॉबी देओल और जैकलिन साथ नजर आएंगे। इस फिल्म में एक बार फिर सलमान एक्शन करते नजर आएंगे। आपको बता दें कि फिल्म के डायरेक्टर रमेश तौरानी का कहना है कि हम रेस 4 बनाने की भी सोच रहे हैं। रजनीकांत इन दिनों मुश्किल में पड़ते नजर आ रहे हैं। उनकी आने वाली फिल्म काला को लेकर मुंबई के एक पत्रकार का कहना है कि इस फिल्म में रजनी की भूमिका उनके पिता की कहानी है, जिसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उन्होंने इसके लिए रजनीकांत और इस फिल्म से जुड़े लोगों को नोटिस भेजा है और कहा है कि अगर 36 घंटे के भीतर वो माफी नहीं मांगते तो वो उनके विरुद्ध न्यायालय में जाएंगे और 101 करोड़ रूपये की मानहानि का दावा भी करेंगे। स्टूडेंट ऑफ द ईयर की शूटिंग के दौरान एक हादसा हुआ। स्टूडेंट ऑफ द ईयर की 2 का दर्शक लैब समय से इंतजार कर रहे हैं और ऐसे में फिल्म की शूटिंग के दौरान अनन्या पांडे के साथ बड़ा हादसा होने से बच गया। फिल्म में कार ड्राइविंग का एक सीन शूट किया जा रहा था जिसमें अनन्या पांडे को कार ड्राइव करनी थी। आपको बता दें कि कार ड्राइव करते समय अनन्या पांडे की कार कंट्रोल से बाहर हो गई और पेड़ से जा टकराई। कार ड्राइव के दौरान अनन्या पांडे ने सेफ्टी गार्ड पहने हुए थे, जिस कारण बड़ा हादसा होने से टल गया। आपको बता दें कि फिल्म में टाइगर श्रॉफ, तारा सुतारिया और एक्टर चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे मुख्य भूमिका निभाते नजर आएंगे।